हेलो दोस्तों, वेलकम टू IAS सर्कल। आज है 23 अगस्त 2019 एंड चलिए हम लोग आज का डेली MCQ फॉर सिविल सर्विसेज देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टार बॉल। टार बॉल्स होते क्या हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सपोज दैट कोई कंट्री ए है जो कि किसी और कंट्री से कच्चा तेल लाइक क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सी एरिया में लाइक मरीन एनवायरमेंट में ऑयल का जो टैंकर होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी क्रूड ऑयल होता है वो फैल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑयल के छोटे छोटे बॉल के जैसा बन जाता है, जो कि काफ़ी डार्क कलर होता है, वही होता है टार बॉल। अब हम स्टेटमेंट वन देखते हैं। दे आर फॉर्म बाई वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मरीन इन्वायरमेंट, यानी कि स्टेटमेंट वन ट्रू है। अब देखते हैं स्टेटमेंट टू। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल टारबॉल माइट इंडिकेट एन ऑयल स्पिलिंग। ये जो ऑयल इसमें फैलता है इसको बोलते हैं ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग की वजह से ही टारबॉल की समस्या अक्सर देखी जाती है, यानी कि स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। इसका आंसर हो गया सी। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम रिलीज स्टडी TRS इज एसोसिएटेड विथ। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूँ TRS की, तो ये एक इंटरनेशनल टूल्स है जो कि कस्टम संबंधित स्टडी करती है, ट्रेड संबंधित। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होंगे बी एंड सी में, हालांकि इसका आंसर होगा बी, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। TRS इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन था। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अबाउट मेघदूत ऐप के बारे में। ये ऐप क्या है, जैसा कि काफ़ी लोग नाम से ही समझ चुके होंगे कि मेघ मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द मार्केट प्राइस सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर मशीनरी। तो ये रॉन्ग है। ये बेसिकली वेदर की रिपोर्ट देती है, विंड स्पीड के बारे में बताती है, कितना मॉइस्चर है, इन सब चीज़ों की डिटेल। तो इसका स्टेटमेंट वन रॉन्ग है। स्टेटमेंट टू है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IMD एज वेल एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि इसका आंसर बी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्डाइन रन के बारे में। ये अक्सर साउथ अफ्रीका के आसपास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ पोर्ट्स हैं एंड कुछ कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहला पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उसके बाद जो सेकंड है हम्बन तोता पोर्ट, ये कहाँ पर है, ये मालदीव में नहीं बल्कि श्रीलंका में है, यानी कि ये रॉन्ग है। उसके बाद ये फोर्थ नहीं होगा, थर्ड होगा क्याउकुप्यू, ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, यानी कि जो थर्ड है ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेची रिवर के बारे में। अगर मैं मेची रिवर की बात करूं तो ये महानंदा नदी की ट्रिब्यूटरी है एंड उसके साथ साथ ये नेपाल प्लस इंडिया के साथ ये बाउंड्री बनाती है। अब चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू चाइना एंड इंडिया, तो ये रॉन्ग है, ये नेपाल एंड इंडिया यहाँ पे होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश चैनल के बारे में है। इसमें ये पूछ रहा है कि इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड और किस कंट्री के बीच में है। तो अगर ये मान लो इंग्लैंड है, उसके बाद ये मान लो यूरोप का रेस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे जो कंट्री है उसका नाम है फ्रांस एंड ये जो है ये है इंग्लिश चैनल, राइट। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर कंट्री ऑफ मेकोंग गंगा
कॉरपोरेशन, तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन की बात करें तो ऑफकोर्स इंडिया उसका पार्ट होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस एंड वियतनाम, ये सारी कंट्रीज पार्ट है, लेकिन इसका मलेशिया पार्ट नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, ये 2016 में फॉर्म हुआ था इसको। इसके बारे में मैं सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इसको फॉर्म किया गया था 2016 में, प्लस इसमें कुल 28 कंट्रीज थी, जिसमें से कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थी एंड 17 EU की कंट्री थी, राइट। तो इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं था, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, तो यानी कि स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो गया एंड स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एंड आज का एक क्वेश्चन जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका तो ये क्वेश्चन है, लाइबेरिका एंड रोबस्ता इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।